उनकी खिदमत आलिया में बार बार इल्तमास गुजार हूं कि खुदा ज्यादा से ज्यादा जामे मस्जिद में तशरीफ लाकर महफिल पाक की औरतों को दुराला फरमाएं। हमारे जितने भी मेहमान आने गिरामी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सभी के सब तशरीफ ला चुके हैं और सब सफेद की सीरत बन चुके हैं। बस आप अहवाल का इंतजार है। यहाँ तक मेरी आवाज जा रही है तो जो काम मेरी आवाज को समाप्त करवा रहे हैं सबकी खिदमत में बहुत दीवाना गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस बाबत पर और मुकदस महफिल पाक में शमूलियत फरमा कर सवाब दराए हासिल करें। तमाम हमद है उस कार्य के अजर के लिए, तमाम हमद है उस कार्य के अजर के लिए सकून शरीर को देता है जो कमन के लिए मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए आबादी से मकला इस कादर तक मैंने पाप का बकाया खास अल्लाह तबारक व तआला की दालत मेरा किताब कुरान मजीद कुरान हमीद का याद के नाम से करते हैं। तो मैंने है की अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ हमारे मेहमान कारी लाहौर से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान कारी हजरत अलामा मौलाना कारी मोहम्मद अकरम फैजी मदनी साहब, उनसे इल्तिमास है कि वो आए और इस बाबत का और मुकद्दस महफिल पाक का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला की नारा किताब की आयात मदीना से फरमाएं। आप अहबाब का इस्तेमाल नारों की गूंज में चलिए, नारा Oh, yeah.
Oh.
Oh.
जज़ाकअल्लाह माशाअल्लाह मुकर्रम मकाम जनाब आले मोहम्मद अकरम फैज़ी साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ के साथ अल्लाह तबारक व तआला की कलाम मुक़द्दस की आयत के जनाब से हमारे को खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। सुभान अल्लाह, कोई भी मेहमान पड़े सुभान अल्लाह माशाल्लाह उसके दास से भी महफिल पा के आना सादा मकसद ही है कि असन को अपने पल्ले पा के जाके असन चुप करके ने सानू पे आमान अल्लाह के लाग गया है माशाल्लाह सुभान अल्लाह दी दाद हर मेहमान दे रही है ऊंची आवाज अल्लाह को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह का बाबा अंदाज लिए शेर के कलाम सारे हमदे लेकिन मैनु जेड़ा हुक्म मिले है उस हुक्मनामा दी ताबीर करे वैसे मेहमान दा नाम लेना बगैर किसी की शेर पढ़े कोई शेर नहीं पढ़ना कोई रिवायत नहीं पेश करनी कोई कलाम नहीं पढ़ना से मतलब मेहमान दा नाम लेना उस दी तुसी जा रहे मैं उस हुक्मनामे दी ताबीर करदे आया नहायत इख्तसार के साथ मैं अगले सनातान को दावा देता हूँ नहायत अदब के साथ मैं तमाम गुजार हूँ पूरे चुनिस्तान अंतलीब बाग रसूल मोहतरम मकाम जनाब कारी वहीद जमान साहब की सुनाएं और आका करीम अलैहिस्सलाम की बात का फिर बुलाए अकीदत पेश फरमाए नारा तकबीर नारा रिसाल नारा रिसाल सना खान मुस्तफा Let's
माशाल्लाह। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ करीमे कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हदिया की अकीदत पेश फरमाने के लिए जनाब मोहतरम मकाम अमीरुल हसन साहब तशरीफ लाए और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हदिया की अकीदत पेश फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। Yes, sir.
जज़ाकअल्लाह माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़म्मल अबाश बुखारी साहब तशरीफ लाए और बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम में गुहाय अकीदत पेश फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
आज
कि इन सब का किसी न किसी हवाले से हमारे गांव से ताल्लुक है, और मैं तो कहूंगा कि बुनियाद भी ये गांव है। हम सबको चाहिए कि हम फख्र करें, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हमारे गांव से इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया में दीन का काम कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे गांव का फख्र है। इनमें से हर एक ऐसा हीरा है कि लोग तरले ले लेकर इनसे टाइम लेते हैं, और आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनकी मेहरबानी है। और तमाम हजरात शौक और मोहब्बत के साथ एक मरतबा दूर का गंजे पेश कीजिए, और जो लोग जरा बिखर कर बैठे हैं थोड़ा थोड़ा आगे आए। भाई जो कोम जो रहा है कि चाचा माल रख गया, हाँ भाई आना क्या, हाँ माशा अल्लाह मैं खुद अल्लाह पढ़ा के माशा अल्लाह बैठो दो दिन बाद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि
संत चमक तुझसे बाते हसन पाने वाले, चमक तुझसे बाते हसन पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है हल्ला, तू जिंदा है हल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाते हैं मुहतरम मकाम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मजीद साहब बाकर अपने हुजूर की ना कि आवाज से पहले जोरदार नारे से इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर क्या जो तो करम
हो जहां फिदा, या जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ो जहां नहीं जी। सिलसिला खिताबात का शुरू होता है हमारे आज के इस महफिल के अजीम शान। अब मैं दारा देने लगा हूँ, मैं परेशान हूँ कि मैं किस किस नाम से उनको पुकारूं। अगर वो तिलावत करने बैठे हैं तो बेहतरीन कारी हैं, अगर वो नाश पड़े हैं तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर उनका शुमार होता है, बेहतरीन आचार है। अगर वो पढ़ाने बैठे हैं तो बेहतरीन मुदरिस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो उन्होंने एमफिल किया और डॉक्टर भी है। मेरी मुराद उसाइल उलमा हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती तमीर अहमद कादरी साहब से है कि वो शुरू पर आए और अपने खूबसूरत अल्फाज से हमारे कुलूब और जहान को मोड़े और फरमाए नारे तकबीर اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہ رب العزت کے بے پایا فضل و کرم اس ذات کے احسان عظیم سے مالک رب لم یزل نے اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مالک قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں قبلہ استاذ مکرم استاذ العلماء استاذ الاساتذہ شیخ الشیوخ مفتی اعظم مفتی امریکہ مفتی محمد عبد الرحمن قمر صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے اس آبائی گاؤں میں اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی جانے والی مسجد میں سرکار کے میلاد کا انعقاد کیا ہے۔ اور علماء کا گلدستہ کہ جس میں مفتیان بھی ہیں، استاد اور اساتذہ بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ سب احباب سرکار کی اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ وہ سرکار کے میلاد کا انعقاد کر سکیں۔ اور اس محفل پاک کی ایک اور